हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ के बारे में कि क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है या नहीं। इस वीडियो में आपको मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप अपने चैनल पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ डालते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, तो मेरा जवाब होगा कि जी हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। और वो क्यों आ सकती है, मैं भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे वो आप अपने मोबाइल से या फिर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से करते हैं, तो देखिए आपका फ़ोन चाहे जिस किसी कंपनी का हो, चाहे वो सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, जिस किसी कंपनी का हो, आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं तो उस फ़ोन में बाई डिफ़ॉल्ट एक ये वॉलपेपर लगा हुआ हमें मिलता है जो कि उसी कंपनी का वॉलपेपर होता है। इसी तरह से कंप्यूटर और लैपटॉप में भी वॉलपेपर उस कंपनी का लगा हुआ हमें मिलता है, और जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं तो वो वॉलपेपर भी रिकॉर्ड हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, और आपके वीडियो में वॉलपेपर शो करता है। अब देखिए, अगर आपने उसी कंपनी का जो फ़ोन यूज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, उसी कंपनी का अगर वॉलपेपर है तो फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर आपने कहीं दूसरी जगह से, कोई दूसरे साइट से या फिर कोई एप्लीकेशन की मदद से कोई वॉलपेपर डाउनलोड करके आपने अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में लगाया है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालते हैं, तो आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो वीडियो होगा उसमें तो वो वॉलपेपर आ ही जाएगा जो कि आपने किसी वेबसाइट या फिर किसी ऐप्स की मदद से डाउनलोड करके लगाए होंगे। तो देखिए, वो जो वॉलपेपर है वो अगर कॉपीराइटेड फ्री इमेज नहीं है तो फिर आपको स्ट्राइक दे सकती है, कभी भी दे सकती है। जब वो आपके वीडियो को देख लेगा तो उसका जब मन करेगा तब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। इससे बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। अगर आप किसी और के देखिए फ़ोटो उठाकर अपने चैनल पर डाल देंगे तो ये तो स्ट्राइक आ ही सकता है, वो उसका मन पर डिपेंड करता है, वो आपको चाहे तो कभी भी स्ट्राइक दे सकता है। लेकिन दोस्तों, जो कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस होते हैं उसे अगर आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा देते हैं, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर डालते हैं, तो फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती, क्योंकि वो कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस हैं तो वो फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी साइट से उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में लगा देंगे वॉलपेपर में या फिर कंप्यूटर में, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और अपने चैनल पर डाल देंगे, तो फिर वो जब कभी भी आपका वॉलपेपर को देखेगा तो फिर हो सकता है कि आपको स्ट्राइक दे दे। एक तरीका और है कि आप खुद से अपना कोई, अगर आपका अपना कोई फ़ोटो है या फिर कुछ भी अपना अगर वॉलपेपर आप खुद से बनाए हैं जो कि आपका अपना ओरिजिनल है, तो उसे भी आप अपने लैपटॉप या फिर ये फ़ोन में लगा सकते हैं और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो फिर आपको स्ट्राइक 100% नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो तो आपका अपना ओरिजिनल फ़ोटो होगा, तो फिर आपको कौन स्ट्राइक देगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो अगर आप बनाते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। आप जो भी कंपनी का फ़ोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उस कंपनी के वॉलपेपर को अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। लेकिन आप कहीं और से कोई साइट से डाउनलोड करके आप अगर आप वॉलपेपर में लगा लेते हैं फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर आपको स्ट्राइक मिल सकती है, और अगर वो कॉपीराइटेड फ्री रहा तो फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। अब देखिए, अगर आपका अपना कोई फ़ोटो या फिर कोई अपना वॉलपेपर है जो कि आपने खुद से बनाया है, वो आपका अपना ओरिजिनल है, तो फिर वो उसे भी आप अपने वॉलपेपर में लगा सकते हैं अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर के वॉलपेपर में, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप कोई भी इमेजेस जो कि कॉपीराइटेड फ्री नहीं है उससे अगर आप अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर में लगा कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिनसे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। तो देखिए, आपको करना क्या होगा कि जो आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप अपना फेस कैम वीडियो भी बना दीजिए और बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना दीजिए। उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में अगर कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस नहीं है तो भी चल सकता है, क्योंकि आपका फेस कैम वीडियो वहां पे है जो कि आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट है, उसी वीडियो में आपका फेस कैम वीडियो आना चाहिए और बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो चलेगा, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए।